वेल uh, well, बहुत खुशी है हमको भी कि हमारी फिल्म ना चली है uh, फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई है mm -hmm. तो उन सबको बहुत बहुत थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने जाके ये फिल्म देखी और फिल्म को इतना पसंद किया इतना प्यार दिया जी uh, मतलब कैरेक्टर जो है वो काफी अलग है जैसे मैं हूँ तो मतलब uh, हंसल सर ने हमें तीन हफ्तों के लिए जो राजस्थान भेजा था वहाँ पे जाके हमने लाइक एट लीस्ट आई रही वर्क हार्ड अपॉन माई कैरेक्टर तो आसान तो बिल्कुल नहीं था पर जो आसान होता है वो इतना इजी भी नहीं होता है पर्सनली मुझे नहीं लगता कि नेशनल अवार्ड मिलने से मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है मैं तो जैसे पहले फिल्में चूज़ कर रहा था वो But अभी भी, भी, भी करूँगा लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं ऑफकोर्स और हमारी कोशिश है कि हम लोगों की उम्मीदों पर खड़े उतरें जहाँ तक सिटी लाइट्स की बात है लोगों को बहुत पसंद आई है लोगों ने बोला है कि आई थिंक ये मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस है आज तक की तो आई थिंक अच्छा है एक एक्टर अगर हर फिल्म उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस रहे तो वो इसका मतलब ग्रो कर रहा है जो कि एक अच्छी बात है मेरी तो पता नहीं क्या लाइफ चेंज हुई है मैं तो आई थिंक आई एम स्टिल द सेम पर ऑफ़कोर्स एक फ़िल्मोग्राफी में एक अच्छी फिल्म का नाम और जुड़ गया है hmm. एक एक सक्सेसफुल फिल्म का नाम जुड़ गया है तो आई थिंक वो एक अच्छी बात है राजस्थान का जो वेदर था और राजस्थान की जो मेहमान नवाजी है वो खाना खाना, खाना है वहाँ का जो दाल बाटी चूरमा है वो बहुत, बहुत बहुत अच्छा है तो उसको तो आई थिंक जो भी वहाँ जाएगा एक बार तो बहुत मिस करेगा आई थिंक ये जो नई हमारी जो जनरेशन ऑफ़ फ़िल्म मेकर्स आए हैं जो अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कहानियों के साथ नई नई तरह की कहानियाँ लिखी जा रही हैं और कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज लिखी जा रही हैं तो यही ये कारण है कि बहुत से नए एक्टर्स जो आ रहे हैं mm. आ, उनको भी काम मिल रहा है और वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं बट mm. आपका जहाँ तक खांस और कपूस की बात है आई थिंक माई ऑल रिस्पेक्ट टू देम वो वहाँ भी आज हैं mm. वहाँ पहुँचना कोई आसान बात नहीं है आई थिंक वी शुड गिव देम द होल क्रेडिट एंड रिस्पेक्ट